हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सीमास किचन चौहान में। आज मैं आपको बताऊंगी मसाला राजमा की सब्जी आसानी से कैसे बना सकते हो, जिसे मैंने बहुत ही सरल तरीके से बनाना बताया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट, और ये टमाटर का पेस्ट लिया है मैंने, और हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है, और ये राजमा जो मैंने उबाल लिया था पहले मैंने इसे रात भर भिगोया था। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में। यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। इसे अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद डाल दूँगी मैं ये हरी मिर्च का पेस्ट और इसे अच्छे से पका लूँगी मैं। देखिए अच्छे से पका लेंगे धीमी आंच पे। तो मिर्ची अच्छे से पक गई है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो बना के रखा हुआ था वो डाल दूँगी, और अब इसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छे से पक गए ये मसाले, अब इसमें तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक गई है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि टमाटर का कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि टमाटर आधे कच्चे थे और आधे पके हुए थे, इसलिए ऐसा कलर है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, नमक डाल दिया मैंने, हल्दी पाउडर डाल दिया 1/2 चम्मच, और 2 चम्मच डाल दी मैंने लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच डाल दी मैंने धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक इसके चारों तरफ ये मसाला तेल छोड़ने ना लग जाए। तो इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला थोड़ा सा पक गया है, तो ये देखिए तेल भी छोड़ने लग गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी 1/2 गिलास, और इसे थोड़ी देर 2 से 3 मिनट और पकाऊँगी। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें डाल दूँगी मैं राजमा। देखिए राजमा मैंने रात में भिगो के रख दिया था, और फिर सुबह मैंने इसे उबाल लिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी, और 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मैं ढक के पका लूँगी इसे, फिर इसे बाद में चेक करेंगे हम। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी पानी की कमी लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, और 3 से 4 मिनट तक इसे ढक के मैं अच्छे से और पका लूँगी, ताकि इसके मसाले जो है ना अच्छे से पक जाए, और ये राजमा है ये भी थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा राजमा अच्छे से पक गया है, ये देखिए अच्छे से बन गई है सब्जी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है ये। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे गाढ़ी लग रही है, मुझे थोड़ी सी और पतली करनी है इस सब्जी को। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 2 चम्मच डाल दूँगी यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, खाने में बहुत ही स्वाद बढ़ जाता है इससे। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऐड कर दूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो यहाँ पे 1 या 2 चम्मच, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी 1/2 गिलास पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी और ग्रेवी वाली चाहिए ये, इसलिए पानी इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद ये अच्छे से पक गई थी, तो इसे मैं चेक कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पक गई है, इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे मैं सर्व कर लूँगी 1 अलग बर्तन में। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सीमास किचन चौहान को। थैंक यू।